नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील जोगियावीर ग्राम में लोगों ने आरोप लगाया है कि लेखपाल ने स्थानीय दबावों की मिली भगत से भूमि के नक्शे में छेड़छाड़ कर पिछले 40 साल से मकान बनवा कर रह रहे लोगों को अवैध कब्जेदार घोषित कर दिया और पोखरी पर कब्जा दिखाकर उनके 40 साल पुराने मकान को गिरवा दिया गया। जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर पहुंचे पीड़ित परिवार के सदस्य सहनवास ने बताया कि उनके गांव के लेखपाल नफीस अहमद, स्थानीय निवासी मकबूल अहमद, समय उल्लाह समेत अन्य लोगों की साजिश के तहत उनकी आबादी वाली भूमि को पोखरी में दिखा दिया, जबकि वहां वह 40 सालों से है। 2015-18 टीम गठित कर जांच हुई थी, कोई अवैध कब्जा नहीं दिखाया गया था, लेकिन 2022 में अब इसको पोखरी पर अवैध कब्जा बताकर वहां पर जेसीबी चलवा दी गई, जिससे पीड़ित परिवार सड़क पर आ गया है। महिलाएं दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। पीड़ित परिवार ने डीएम से मुलाकात करने आय की गुहार लगाई है और गांव में पक्की पैमाइश करने की मांग की है। सुनते हैं पीड़ित परिवार के सदस्यों ने क्या कहा। क्या नाम है? सहनवाल। कहाँ के रहने वाले? जी जोगियावीर थाना जीएमपुर। क्या मामला कहा जा पाए? मामला यह है कि माँ उच्च न्यायालय के आदेश पर 2016 में अतिक्रमण हट चुका था। हमारा मकान जो कभी आया नहीं था, 40 साल पुराना हमारा मकान है। उसके बाद जो है ये फिर हमने दरख्वास्त दिया कि इसको अतिक्रमण हटाया जाए, पोखरी से पोखरी खाली की जाए। तो उसमें 2018 में आशा की रिपोर्ट लगी कि इसमें मतलब माँ उच्च न्यायालय के आदेश पे खाली हो चुकी है पोखरी और हमारा अतिक्रमण उसमें नहीं था। जब हमारा अतिक्रमण 40 साल पुराना हमारा मकान नहीं आया, अब 2022 में हमारे मकान को जो है टीम गठित करके गिरा दिया गया है। तो अगर हमारा मकान पहले ही होता तभी नहीं आ गया होता। 2018 में 16 में माँ उच्च न्यायालय के आदेश पे खाली हो चुकी थी पोखरी, हमारा मकान कभी आया नहीं था जो कि 40 साल पुराना था। ये लोग टीम गठित करके और हमारा कोई आदेश भी नहीं था, बिना आदेश का हमारा मकान जो है गिरा दिए। कौन गिराए? यही नफीस नेखपाल जो है, सगड़ी टीम जो गठित करके तहसील अपना लोग गिरा दिए हैं फर्जी तरीके से। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमको न्याय दिया जाए। हमारा मकान जब 40 साल पुराना कभी आया नहीं था तो आप कैसे 2022 में गिरा दिया गया? अगर हमारा मकान टीम 2015 में 16 में टीम गठित हुई, 2018 में टीम गठित हुई, तभी हमारा मकान नहीं गिर गया था जो कि 40 साल पुराना हमारा मकान था। तो और लोगों गिरा, केवल आपका गिरा है? हमारा गिरा, एक लोग का और गिरा है। और लोगों का है मकान उसमें? हाँ, और हाँ, जिसको मतलब जिसका गिराया गया था उसको लोग आप सगड़ी में बता रहे हैं। और एक आदमी 291 का संशोधन करा के वो जो है 305 को फेंक दिया पोखरी में, आप पोखरी को आबादी में डाल दिए। हम लोग को ढकेल दिए हैं, यही किए हैं। वो दबंगई से लोग अपना काम करा रहे हैं। कौन लोग हैं? तो महबूब हैं और ये एहसानुल्लाह हैं। ये लोग जो है नक्शे को छेड़छाड़ करके पोखरी हमारी आबादी में ढकेल दिए हैं, उसको अब कब्जा दिला रहे हैं सगड़ी में कहके। हम चाहते हैं कि इसकी सही से पैमाइश की जाए, पक्की पैमाइश की जाए टीम गठित करके और दूसरे तहसील से जो है इसको पैमाइश की जाए, हमारे हमको न्याय दिलाया जाए। कहाँ की रहने वाली? जोगियावीर थाना जीएमपी। क्या मामला आज डीएम साहब के आए? एसडीएम साहब के यही आए थे कि हमारा जिस सन 2016 में तोड़ा गया था घर, यानी बोले लोग कि तुम्हारा बंजर में है, वो इस समय फिर से रिपीट किया गया, तोड़ा गया है कि जो हमारा आबादी में था। तो लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये बंजर पैसा दिया देकर तहसील के अंदर वो लोग तोड़वा रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। हम लोग भाई आवास का कॉलोनी भी बनवाए थे उसको भी तोड़वा दिए, आवास की लाइटिंग थी वो भी तोड़ दिए, हमारी आबादी में जितना भी मकान था सब नष्ट कर दिया गया। वही हम क्या एसडीएम साहब के यहाँ रिक्वेस्ट लेके आए थे कि इसकी फिर से जांच की जाए और जांच की जाए, इसकी सही मानता सही वो निकाला जाए, निर्णय निकाला जाए कि हाँ ये क्या सही है या गलत है, किस तरह है। क्या आश्वासन दिया डीएम साहब? उन्होंने कहा कि इसकी तो जांच हो चुकी है 16 में। उन्होंने हमारे साथ जब हमने बताया कि सर इस तरह की ऐसा है कि ये 16 में हुआ था, लेकिन इस समय तो हमारे सब कुछ हो रुकावट हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने ऐसा करवाया कि हाँ ये लोग पैसा भर के हम लोग के साथ अत्याचार कर रहे हैं, कॉलोनी भी हमारी तोड़वाया, हमारा घर भी तोड़वा दिए, हम लोग खुले मैदान में आ चुके हैं। हाँ, तो उन्होंने बोला चलिए देखते हैं, अब देखिए एसडीएम साहब का क्या निर्णय निकालते हैं।